I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. अरे कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो, पांव धो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? देखने में तो इतने लंबे चौड़े लगते हो, पर इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि ये जल पांव धोने के लिए नहीं है। देखने में तो तुम भी ठीक ठाक ही लगते हो, कि तुम इतनी सी बात नहीं समझते कि जल तो पांव धोने के लिए ही होता है। जल स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। मैं इसी जल से देवी की अर्चना करता हूँ। अर्चना का जल से क्या संबंध वत्स? तुम तो उन कट्टरपंथियों की भांति बात करते हो जो पूजा नहीं करते, पूजा का अडंबर रचाते हैं। पूजा और अर्चना के लिए जल पुष्प और दीप नहीं, हृदय की श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मुझे पूजा अर्चना की रीत न सिखाओ। मैं कहता हूँ चुपचाप उठो यहाँ से और इस जल को गंदा मत करो। जल हर वस्तु को स्वच्छ करता है वत्स, इसे कौन गंदा कर सकता है? गंगा पापियों के पाप धोती है, पापियों के स्नान करने से गंगा स्वयं दूषित नहीं हो जाती। मैं कहता हूँ उठो यहाँ से। लगता है तुमने बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। अब भी समय है, बड़ों का आदर करना सीखो। कहो तो मैं सिखा दूं। मुझे जो कुछ सीखना था मैं सीख चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं सीखना, और वो भी तुम जैसे मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति से। एक पग भी आगे बढ़ाया तो टांग तोड़ के रख दूंगा। मूर्ख, यदि मेरी टांग से उलझा ना तो भूल जाएगा तेरा जन्म कब हुआ था, हुआ भी था या नहीं। तो तू यूं नहीं मानेगा। जाने कौन है ये युवक जिसने मुझे थका के रख दिया है। हो ना हो, इसके पास अवश्य कोई दैवी शक्ति है जिसने मेरे सांस की परीक्षा लेने की ठान रखी है।
ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप बीच में से हट जाइए महर्षि, मैं इस दुष्ट हठ धर्मी को बताकर ही रहूंगा कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। क्षमा कीजिएगा महर्षि, मैं भी इसे अपने अर्चना के जल की अपवित्र करने का दंड देकर रहूंगा। ठीक, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, पर इतना याद रखना कि जो रक्त तुम्हारे शरीर से बहेगा और जो रक्त तुम्हारे घाव से फूटेगा, उसमें एक ही कुल की मर्यादा और एक ही वंश की परंपरा का रंग झलक रहा होगा, जो बूंद बूंद करके मिट्टी में मिल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हम ठीक कह रहे हैं। तुम जिससे टकरा रहे हो, तुम जानते हो वो कौन है भीमसेन? भीमसेन दादाश्री? हाँ बरबरी। ये तुम्हारे दादाश्री वीर पांडुपुत्र महावीर भीमसेन हैं, और ये तुम्हारा पौत घटोत्कच पुत्र वीर बर्बरीक है। बर्बरीक मेरा पौत्र? मुझे क्षमा कर दो पौत्र, मैं तुम्हें पहचान ना सका। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं दादाश्री। धिक्कार है इस जीवन पर, मैंने अपने पूज्य दादाश्री का अनादर किया, आवेश में आकर इन्हें न जाने क्या क्या कह डाला। दादाश्री, मैंने ऐसा पाप किया जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं। जो पाप भूल से हो जाए पौत्र, उसका पश्चाताप ही प्रायश्चित है। नहीं दादाश्री, यह भूल उस शक्ति का घमंड है जो मुझे वरदान में मिली है। दादाश्री, मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता, नहीं चाहता दादाश्री। रुक जा पौत्र, बर्बरीक रुक जा पौत्र। जाने दो से भीमसेन। गुरुदेव, क्या हुआ वत्स? ये वरदान, ये शक्ति अपनी वापस ले लीजिए। क्यों गुरुदेव? आज इन शक्तियों के कारण मेरे हाथों से घोर अन्याय, एक महापाप होते होते बचा। गुरुदेव, उन शक्तियों से क्या लाभ जो मेरे वरिष्ठ, मेरे संबंधियों की शत्रु बन जाए और उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो। शक्ति प्राप्त कर लेना बहुत सरल है शिष्य, किंतु ये ज्ञान प्राप्त करना कि शक्ति का प्रयोग कब, कहां और किस पर किया जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है शिष्य। शक्ति गंगा के समान है, जिसे संभालने के लिए शिव की जटाओं की आवश्यकता होती है। यही तो समस्या है गुरुदेव, मुझ में यह ज्ञान नहीं, मुझ में वो सहनशीलता नहीं, मुझ में इस शक्ति का घमंड आ गया है। गुरुदेव, आप अपना यह वरदान वापस ले लीजिए, मैं इस शक्ति के योग्य नहीं। वरदान देकर वापस नहीं लिया जा सकता, वरदान तो उसे ही मिलता है शिष्य जो वरदान के योग्य होता है। यह भी अच्छा हुआ कि तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो गया, शक्ति सदा दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए होती है। इसका दुरुपयोग ग्लानि और पश्चाताप का कारण बन जाता है। अपने वरदान का सदुपयोग सीखो, यदि सीख गए तो संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। हां, मैं तुम्हें अनुशासन की शिक्षा देना तो भूल ही गया था, शक्ति के साथ अनुशासन का ज्ञान उतना ही आवश्यक है। हमें विश्वास है शिष्य
जो घटना आज तुम्हारे साथ घटी है वो जीवन भर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। शक्ति से दूर मत भागो शिष्य, शक्ति को अपने वश में करो। दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए।